तेल ने निकाला जनता का तेल, जारी है महंगाई का खेल, तेल के दामों ने बिगाड़ा बजट, बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। पेट्रोल डीजल दोनों ही ईंधनों पर महंगाई की मार जारी है। तेल कंपनियों ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी की। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू बाजार में सोमवार को पेट्रोल की कीमत 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई, जबकि डीजल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 35 पैसे की बढ़त के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 99.86 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत 89.36 रुपए प्रति लीटर है। इससे पहले रविवार को भी पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मई से लेकर अब तक प्रति लीटर पेट्रोल 9.46 रुपए और डीजल 8.63 रुपए महंगा हो चुका है। आज इस महीने का पांचवा ही दिन है, लेकिन इस महीने यानी जुलाई में ही दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल 1.05 रुपए और डीजल 18 पैसे महंगा हो चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु, लद्दाख समेत बिहार और पंजाब के कुछ शहरों में पेट्रोल शतक को भी पार कर चुका है। तो वहीं देश के कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां पेट्रोल के दाम 100 के बेहद ही करीब हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको महानगरों में तेल और डीजल की कीमतों से रूबरू कराते हैं। दिल्ली में पेट्रोल 99.86 रुपए और डीजल 89.36 रुपए पहुँच गया। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 105.92 रुपए और डीजल की कीमत 96.91 रुपए है। कोलकाता में पेट्रोल 99.84 रुपए और डीजल 92.27 रुपए बिक रहा है। तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल 100.75 रुपए और डीजल 93.91 रुपए बिक रहा है। देश के मुख्य शहरों में पेट्रोल के क्या दाम हैं, वो भी आपको ग्राफिक्स में समझाते हैं। बेंगलुरु में पेट्रोल 103.20 रुपए और डीजल 94.72 रुपए। पटना में पेट्रोल 102.01 रुपए और डीजल 94.76 रुपए। लखनऊ में पेट्रोल 96.99 रुपए और डीजल 89.75 रुपए। चंडीगढ़ में पेट्रोल 96.03 रुपए और डीजल 89 रुपए। भोपाल में पेट्रोल 108.16 रुपए और डीजल 98.13 रुपए। श्री गंगानगर में पेट्रोल 111.14 रुपए और डीजल 102.60 रुपए, जबकि रांची में पेट्रोल 95.16 रुपए और डीजल 94.31 रुपए बिक रहा है। पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। शायद ही कोई दिन जाता है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी ना हो। अभी जुलाई की 5 तारीख ही है और इन 5 दिनों में ही तेल के दाम 3 बार बढ़ चुके हैं। देश भर में सरकारी तेल कंपनियों ने आज से पहले 2 जुलाई को पेट्रोल पर 35 पैसे बढ़ाए थे, जबकि डीजल के दाम स्थिर थे। तो वहीं 4 जुलाई को पेट्रोल के दामों में 35 पैसे और डीजल के दामों में 18 पैसे का इजाफा किया था। बता दें कि पिछले करीब 2 महीने में पेट्रोल की कीमतों में 34 बार और डीजल के रेट में 33 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके साथ ही देश में पेट्रोल और डीजल के दाम ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। इस दौरान पेट्रोल 9.11 रुपए प्रति लीटर और डीजल 8.63 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। तेल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता का तेल निकाल कर रख दिया है। एक सवाल ये भी बना रहता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे और कब तय की जाती है। तो आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर रोज सुबह 6 बजे बदलाव होता है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी डीलर कमीशन जोड़ा जाता है। दूसरी चीजें जोड़ने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम करीब दोगुना हो जाते हैं। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या है, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से सिर्फ वाहन चालकों पर ही फर्क नहीं पड़ता, हर उस सामान पर भी इसका असर होता है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहे आपके घर का राशन हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, तेल की बढ़ती कीमतों से लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। अब देखना है कि रोज पेट्रोल के दामों के बढ़ने का सिलसिला कब तक यूं ही जारी रहेगा और कब जनता को इस महंगाई से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।